आज जो है चंद्र ग्रहण है, यानी कि आपका लूनर एक्लिप्स है। और लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण से ही रिलेटेड क्या है आपका सुपर ब्लड मून। तो ये आज हम जानेंगे कि क्या आखिर सुपर ब्लड मून जो है वो होता क्या है। तो शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। तो सबसे पहले सुपर ब्लड मून क्या होता है ये जानने के लिए पहली कंडीशन जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लूनर एक्लिप्स यानी कि जो आपका चंद्र ग्रहण है वो क्या होता है। तो जब सन, अर्थ और मून तीनों ही एक दिशा में होते हैं, तीनों एक सीध में आ जाते हैं, और ये कब आते हैं आपको पता है, हमें पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है, वो परिक्रमा करती है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसी तरह जो मून है वो अर्थ के अराउंड जो है वो परिक्रमा करता है, इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। और इस दौरान जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि तीनों एक सीध में आ जाए, सन, अर्थ और मून, तो रिवॉल्व करने के दौरान परिक्रमा करते हुए अपने अपने ऑर्बिट में जब ये परिक्रमा करते हैं और इस दौरान ऐसी कंडीशन बन जाए कि ये तीनों एक सीध में आ जाए, तो यह जब कंडीशन हो जाती है तो सूर्य की किरणें जो आपके पहले मून पर आ रही थी वो अब नहीं आ पाएंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो रेज हैं वो आपके जब अर्थ पर आएंगी तो ये जो रेज हैं ये आपके इन रेज को, जो सन की रेज है उसे चंद्रमा पर जाने से रोकती है, जिससे कि क्या होगा कि जो चंद्रमा है आपका मून है उस पर अंधेरा सा आपको दिखाई पड़ता है। अंधकार जो है पृथ्वी से देखने पर आपको चंद्रमा जो है वो अंधकार में ब्लैक ब्लैक दिखता है। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, यानी कि जो चंद्र पर ग्रहण लग गया, या लूनर एक्लिप्स। तो एक चीज हमें पता चल गई लूनर एक्लिप्स क्या होता है। अब जब चांद जो है मून हमारे अर्थ से जब सबसे पास होता है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिगी। क्या बोलते हैं? पेरिगी, PERIGE। पेरिगी कब बनता है? जब आपका जो मून है अर्थ से सबसे पास हो। और एपोजी, एपोजी दूर के लिए यूज किया जाता है। पेरी, पेरी याद रखिए पास के लिए, पी से पेरी, पी से पास, और एपोजी दूर के लिए। जब आपका जो मून है अर्थ से सबसे पास होता है ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिगी, और जब दूर होगा तो एपोजी। और जब मून चंद्रमा ग्रहण के दौरान, लूनर एक्लिप्स के दौरान, जब पृथ्वी की छाया जो है आपके अर्थ पर मून पर पड़ती है और साथ ही उस दिन पेरिजी की कंडीशन भी है, यानी कि जो मून है अर्थ के सबसे पास है, तो ये आपको जो है अर्थ से देखने पर लाल दिखाई दे सकता है, लाल दिखाई पड़ता है, और उसे हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड मून या सुपर ब्लड मून। ऐसा क्यों होता है, लाल क्यों दिखाई देती है, जबकि जब पृथ्वी की छाया इस पर पड़ती है तब तो ये हमें काले रंग का दिखाई देना चाहिए, लेकिन फिर भी लाल रंग का दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है, इसका रीजन हम अभी जानते हैं। सन की रेज जब पृथ्वी पर पड़ती है, हमें पता है कि अगर इसका एक और आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा कि हमें जो अपना क्लाउड है, अपना जो आकाश है वो नीले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, कि सन की जो रेज है अर्थ पर आती है इस दौरान जो आपका नीला रंग है, ब्लू और वायलेट रंग की जो रेस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा बेंड होती है, सबसे ज़्यादा मुड़ती है, जबकि जो आपका रेड कलर है वो आपका सबसे कम मुड़ता है, यानी कि वो सबसे कम बेंड होता है और वो सीधा जो है आपका एनवायरनमेंट में घुसता है। तो जो सन की रेस जो आपकी ब्लू कलर की है वो क्या है, ब्लू कलर की है वो क्या करेंगी, आपके अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करती है तो ये आपकी स्प्रेड हो जाती है, काफ़ी फैल जाती है, और यही रीज़न है कि हमें अपना जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। जबकि जो रेड कलर है आपका, वो जब सन की रेस से जो आपका रेड कलर होता है वो आपका कम बेंड होता है और वो सीधा जो है आपके अर्थ के एनवायरनमेंट में आपका जो है एंटर करता है, इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम आप देखेंगे कि आकाश जो है हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो सन की रेज है वो
आपकी सीधी आपके एंटर करती है एनवायरनमेंट में, और वो जब आपकी सीधी एंटर करेंगी यानी कि शुरुआत में सनराइज के समय और सनसेट के समय, उसी समय जो है सिर्फ हमें आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये रीज़न था कि अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो ब्लू कलर है आपके जो आकाश है ब्लू कलर का क्यों हमें दिखाई पड़ता है, तो याद रखिए कि जो ब्लू जो आपका लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड करती है इसीलिए। अब क्यों, अभी हमने यहाँ से एक चीज़ हमने जो देखी है कि जो सन की रेज पृथ्वी पर आती है उसमें जो आपकी सनराइज और सनसेट के समय जो आखिर में जो बची हुई जो आपकी रेड कलर की जो रेज है वो जो पृथ्वी के इन्वायरमेंट को क्रॉस करते हुए जाती है, यानी कि इन्वायरमेंट को क्रॉस करते हुए मतलब कि वो बहुत जो सीधी वो चली जाती है, वो स्प्रेड नहीं होती। तो अर्थ के इन्वायरमेंट की जो मोटी परत को जब ये रेड जो रेज है वो क्रॉस करके जाती है, और यही रेज जब आपके मून तक थोड़ी अर्थ के जो सरफेस तक पास करते हुए मून तक जाती है, तो तभी जो हमें अर्थ से हम मून को अगर देखेंगे तो उस समय हमें जो मून है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर ब्लड मून, जिसे हमें जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से देखने पर रेड कलर का दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है कि जो आपका रीज़न क्या है, पहला कि जो रेड कलर है सबसे कम बेंड होता है यानी कि वो सीधा अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करता है, यही रीज़न है सनराइज और सनसेट के समय आकाश में लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरा, जब ये सीधा मोटी जो अर्थ की सरफेस को पार करते हुए जब मून तक पहुंचता है, सीधा अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करता है, तो उस समय जब ये रेज जो उसकी थोड़ी बहुत रेज है अगर मून तक जाती है तो ये हमें अर्थ से देखने पर रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये है आपके सुपर ब्लड मून की कंडीशन, और ये जो कंडीशन आपके चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स के दौरान बनती है, पूर्णिमा के दौरान बनती है, ऐसी जो कंडीशन है याद रखिएगा सुपर ब्लड मून तभी बनता है जब आपका लूनर एक्लिप्स होता है, यानी कि सन अर्थ और मून तीनों एक सीध में आ जाते हैं जिससे कि अर्थ की छाया आपके मून पर पड़ती है। तो छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था आज, क्योंकि आपका लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है, तो आज के दिन ही मैंने इसलिए टॉपिक करा दिया ताकि आप ये सुपर ब्लड मून की जो कंडीशन है ये भी रात को देख सके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।